बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे। तो जो आज मैं आपको 15 लॉन्ग बताऊंगा, ये मैंने वीक स्टूडेंट्स के लिए निकाले हैं, और ये जो 15 लॉन्ग हैं ये हर साल किसी न किसी बोर्ड में लाजमी रिपीट हो रहे हैं। तो ये 15 लॉन्ग आपने लाजमी करने हैं। अगर हम बोर्ड के पेपर की बात करें तो बोर्ड के पेपर में टोटल वो आपको 5 लॉन्ग देगा, यानी पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 होगा ये आपके लॉन्ग होंगे, और 5 में से कोई आपने 3 करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है ये कंपलसरी होता है, ये लाजमी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने लाजमी करना होता है थ्योरम। पीछे जो 4 लॉन्ग होते हैं उनमें से कोई आप 2 कर सकते हैं, एक लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका पहला पार्ट चैप्टर 1 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट चैप्टर 3 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर 4 से। इसी तरह क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट चैप्टर 5 से, दूसरा पार्ट चैप्टर 6 से, और क्वेश्चन 8 का पहला पार्ट चैप्टर 7 से, दूसरा पार्ट जियोमेट्री से यानी चैप्टर नंबर 13 से होगा। और जो थ्योरम होंगे एक चैप्टर 9 से आएगा और एक चैप्टर 12 से आएगा, और इन दोनों में ऑप्शन होगी। ठीक है, ऑप्शन होगी। तो 90% यही चांसेस हैं कि इसी तरह आपको थ्योरम देगा। ऐसा भी हो सकता है किसी एक चैप्टर के 9 या 12 किसी एक में से एक थ्योरम दे और ऑप्शन ख़त्म कर दे, लेकिन कम चांसेस हैं, ज़्यादा यही चांसेस हैं एक चैप्टर 9 से आएगा, एक चैप्टर 12 से आएगा। तो ये जो 5 लॉन्ग हैं पेपर में 5 आएंगे, तो इसी तरह मैंने 5-5 लॉन्ग के 3 सेट बनाए हैं। जैसे एक ये सेट बनाया है, ठीक है, जैसे पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, मैंने अभी बताया, वो चैप्टर 1-2 से होगा। मैंने एक पार्ट चैप्टर 1 से लिया है और इसका बी पार्ट चैप्टर 2 से लिया है। दूसरा जो लॉन्ग है यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 पेपर में बनेगा, उसका ए पार्ट मैंने चैप्टर 3 से लिया है और बी पार्ट मैंने चैप्टर 4 से लिया है। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 पेपर में बनेगा, उसका ए पार्ट चैप्टर 5 से लिया है और बी पार्ट चैप्टर 6 से लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका ए पार्ट चैप्टर 7 से लिया गया है, बी पार्ट चैप्टर 13 जियोमेट्री से। और इसी तरह थ्योरम जो पेपर में आएगा, एक थ्योरम चैप्टर 9 से आएगा और एक 12 से आएगा। ठीक है, ज़्यादा ये चांसेस हैं, ऑप्शन देगा। ठीक है, आपने ये दोनों करने हैं। ठीक है, चैप्टर 9 का भी ये थ्योरम करना है और चैप्टर 12 का भी ये थ्योरम करना है, ताकि कोई मसला ना बने। एक ये सेट है, एक और सेट बनाया है 5 क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसका हर दफ़ा ए पार्ट जो होगा चैप्टर 1 से होगा और बी पार्ट चैप्टर 2 से होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में बनेगा, इसका ए पार्ट चैप्टर 3 से होगा और बी पार्ट चैप्टर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 पेपर में बनेगा, उसका ए पार्ट चैप्टर 5 से होगा, बी पार्ट चैप्टर 6 से होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका ए पार्ट चैप्टर 7 से होगा, बी पार्ट चैप्टर 13 जियोमेट्री से होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसे तो पेपर में थ्योरम आएगा, इस तरह थ्योरम आएगा, जैसे एक पहले सेट बताया उसमें थ्योरम था, और एक ये सेट है इसमें थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 खुद से बना दिया है, चैप्टर 3-4 का पेयर, 3-4 का, ये 3 से लिया है, आसान सा क्वेश्चन ये 4 से लिया है। ये दूसरा सेट था। तीसरा जो सेट है, उसी तरह 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, उसका पहला पार्ट चैप्टर 3 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर 4 से होगा, 3-4। क्वेश्चन नंबर जो 7 पेपर में बनेगा, उसकी जो पेयरिंग होगी, पहला पार्ट चैप्टर 5 से होगा, दूसरा पार्ट चैप्टर 6 से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका पहला पार्ट चैप्टर 7 से, दूसरा पार्ट जियोमेट्री से होगा। तो ये दो थ्योरम, ठीक है, दो थ्योरम, यानी ये चैप्टर 9 से है और ये चैप्टर 12 से लिया गया है। तो ये 3 मैंने सेट बनाए हैं। ठीक है, 5-5 लॉन्ग के अकॉर्डिंग टू
पेयरिंग स्कीम, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।